नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये जो टीवी पर हम रियलिटी शोज देखते हैं, चाहे सलमान खान हो बिग बॉस में, चाहे करण जौहर रहा हो बिग बॉस ओटीटी में, चाहे कंगना रनावत रही हो लॉकअप में, या रोहित शेट्टी रहा हो खतरों का खिलाड़ी में, एक चीज कॉमन है और वो चीज ये है कि जब भी ये लोग अपने अपने शो को होस्ट करते हैं तो बड़े लंबे चौड़े दावे कर देते हैं कि हमारा शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। इंडिया का बड़े सा बड़ा राइटर जो है ना, वो हमारे शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। इस शो में सब रियल होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कुछ प्लानिंग नहीं होती है, सब ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है। लेकिन हाय रे बूढ़ी किस्मत, जितने बड़े बड़े ये दावे करते हैं वो स्क्रिप्टेड एंगल को छुपाने के लिए, उतनी ही इजीली और उतनी ही आसानी से इन सबके शोज का जो स्क्रिप्टेड पार्ट है वो आपके सामने अपने आप निकल करके आ जाता है। जैसे कल रात के एपिसोड में रोहित शेट्टी ने खुद को स्क्रिप्ट का खिलाड़ी साबित कर दिया और अपनी मर्जी जो थी वो कंटेस्टेंट के मुंह में डाल दी, ठूंस दी। मतलब कहने का यह है कि जो चीज रोहित शेट्टी को करवानी थी वो उन्होंने तबीयत से जबरदस्त तरीके से दिन दहाड़े कर ली। और ये रोहित शेट्टी जो कितना भी बोल ले कि वहां पार्शियलिटी नहीं होती है, स्क्रिप्ट नहीं होती है, खुद इस रोहित शेट्टी ने भी कबूल किया था जन्नत जुबर के साथ एक इंटरव्यू में कि शो का स्क्रिप्टिंग पार्ट जो है वो उसको अच्छे से हैंडल कर लेता। और कैसे हैंडल कर लेता, आपने देखा, एक ऐसा स्टंट एक ऐसी जगह पर करने के लिए राजीव अडातिया का नाम डलवा दिया कंटेस्टेंट के मुंह में, जो जगह राजीव अडातिया जैसे गेंडे के लिए परफेक्ट थी नहीं, वहां पर राजीव अडातिया तो फंस सकता था। लेकिन आपने रोहित शेट्टी का टोन देखा था क्या? नहीं, वो जगह थी वहां पर तू कर सकता था, हम तेरे से करवा सकते थे। रोहित शेट्टी का ये है असली तेवर, ये है असलियत जो कि एक नकाब के पीछे वो छुपा के रखता है। किस तरह वो दादागिरी और लुक्खापंती वाले अंदाज में राजीव अडातिया के साथ बात कर रहा था, लेकिन जब रूबीना दिलैक बचर बचर करती है तो रोहित शेट्टी को सांप सूंघ जाता है। उसके बाद ये रोहित शेट्टी बोल देता है कि कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। अच्छा, हमने यहां पर पार्शियलिटी की बात की है, पार्शियलिटी से मुझे याद आया कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी चल रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो रियल लाइफ के अचीवर्स हैं, हमारे जो इंडियन एथलीट हैं, हमारे रेसलर्स हैं, हमारे बॉक्सर्स हैं और हमारी इंडियन हॉकी टीम एंड इंडियन क्रिकेट टीम, जहां पर लड़कियां जो है वो देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, साथ में टीवी पर खतरों का खिलाड़ी भी चल रहा है, और मैंने पिछले वीक का जब रिव्यू किया था खतरों के खिलाड़ी का तो मैंने एक बात कही थी कि भैया चूज योर हीरोज वाइजली या फिर पिक योर हीरोज वाइजली। जहां एक तरफ हमारे यहां इंडिया में ऐसा ट्रेंड है कि छपरा छपरियों को, निब्बा निब्बाओं को मिलियंस में लोग फॉलो कर लेते हैं, जबकि रियल लाइफ अचीवर्स एथलीट्स इनको शायद ही कोई जानता हो। जहां हमने देखा कि सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर रूबीना कैसे खुद के मुंह से खुद को वो सर्वशक्तिमान, मल्लिका हिंदुस्तान, स्ट्रॉन्ग वुमेन वगैरह बोलती रहती, जबकि एक नंबर की टेंट्रम क्वीन है, वो नखरे दिखाती है, एक्टिंग करती है और स्पोर्टिंग स्पिरिट तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर देखा है हमारी टीम इंडिया जो हॉकी टीम है, वहां पर हमारी हॉकी टीम के साथ चीटिंग हुई थी दिन दहाड़े। वहां पर सीडब्ल्यूजी के ऑर्गेनाइजर्स कहिए, रेफरी कहिए, एंपायर्स कहिए, उन लोगों ने दिन दहाड़े ऐसी चीटिंग की। सविता पूनिया जो कि हमारी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, उन्होंने एक दमदार सेव किया था जब ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट मिला था और जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी उसने शॉट मारा, लेकिन सविता पूनिया ने बहुत अच्छे तरीके से वो शॉट को रोका और न सिर्फ रोका बल्कि अपनी टीम के लिए एक पॉइंट भी अर्न किया। लेकिन वो जो शॉट था या वो जो मोमेंट था उसको अमान्य करार दे दिया वहां पर एम्पायर्स ने, रेफरीज ने। उनका ये कहना था कि भैया जो घड़ी है ना वो घड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। आप देख लीजिए दिन दहाड़े इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ओपन चीटिंग हुई थी और हमें जो पॉइंट मिलना चाहिए था हमें वो पॉइंट नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी टीम ने अपना मोरल डाउन नहीं किया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो डिसअपॉइंट हुए और हमारे हाथ से गोल्ड या सिल्वर जीतने का चांस चला गया, लेकिन कल हमारी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दुनिया को कहीं ना कहीं ये तो दिखा दिया है कि अगर हमारे साथ चीटिंग नहीं होती तो शायद हम सिल्वर या गोल्ड तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये जो अनफेयर एटीट्यूड था या जो मिसमैनेजमेंट कही है या ओपन चीटिंग कही है सीडब्ल्यूजी वालों की, दुनिया भर में किरकिरी उनकी हो रही है और हमारी टीम इंडिया की कहीं ना कहीं वाहवाही हो रही है कि मोरल डाउन था, उसके बावजूद हमारी टीम ने कोई बहुत ज्यादा नाटक वगैरह नहीं किए जैसे कि रियलिटी शो के अंदर देख रहे हैं। रूबीना दिलैक जो कि खुद दिखने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती कि यू नो आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द टीम, मैं ये स्टंट करना चाहूंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ओ माय गॉड ये तो क्रीपी क्रॉली से मेरे को तो डर लग रहा है, ओ माय गॉड मैं दिखने के लिए नहीं कर रही हूं, ओ माय गॉड ये वो यू नो व्हाट, ये सब लोग ऐसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए रूबीना का जबरदस्त वाला एक ड्रामा, एक टैंट्रम कहिए या नखरा कहिए या दोगलापन कहिए, ये वही रूबीना दिलैक है जिसने सेकंड वीक में जब रोहित शेट्टी ने कहा था ना कि भैया नाम लो सब एक दूसरे का, किसका स्टंट अच्छा था किसका नहीं था, कौन जाना चाहिए लास्ट राउंड में,
वहां पर रूबीना दिलक क्या बोली थी, अरे ये परफॉर्मेंस के ऊपर कोई कैसे किसी को जज कर सकता है। लेकिन यही रूबीना दिलक कल कैसे थूक कर चाट गई जब यहां पर डिसाइड करना था कि कौन जाएगा लास्ट वाले स्टंट में, तो यहां पर रूबीना क्या बोलती है, क्या है ना ये लोग मेरे ऊपर गैंग अप कर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरा परफॉर्मेंस कोई नहीं देख रहा कि मैंने कितना अच्छे से स्टंट परफॉर्म किया, मुझे एलिमिनेशन स्टंट में डाल रहे हैं। जबकि यही रूबीना सेकंड वीक में क्या बोली थी, अरे तो क्या हुआ जन्नत जीत गई, परफॉर्मेंस तो मेरा भी अच्छा था, तो क्या हुआ मैं स्टंट हार गई, पॉइंट नहीं ला पाई, लेकिन यार परफॉर्मेंस के ऊपर कोई किसी को कैसे जज कर सकता है बिकॉज वो जीत गई मैं हार गई। और ये रूबीना पिछले वीक क्या बोली थी, जब जन्नत और इसके बीच में से चुनना था कि कौन जाएगा प्रतीक के साथ एलिमिनेशन राउंड में, तो ये क्या बोली थी, अरे वो जन्नत मेडिकल ग्राउंड पे बाहर गई हो, कुछ भी गई हो, एटलीस्ट मैंने मेरा परफॉर्मेंस तो दिया था ना, मैं भले ही निशान से हार गई हूं लेकिन मैंने स्टंट कंप्लीट किया था, मैं मेडिकल ग्राउंड पे या मेडिकल का बहाना बना के बाहर नहीं गई थी। लेकिन यहां पर क्या बोल रही है, अरे मैं मेडिकल रीजन पे बाहर थी यार, अगर मैं फिट होती तो फिर देखते मेरे सामने कौन आता टक्कर में। ये है रूबीना दिलक, खुद को सर्वशक्तिमान बोलती है लेकिन चित भी अपनी पट भी अपनी चोरी सीना जोरी थूकना चाटना इसमें ये मोहतरमा एक्सपर्ट है। और यही इनका पैटर्न बिग बॉस 14 में भी था, मैं किसी को टच कर सकती हूँ लेकिन ओए तूने मेरे को टच कैसे किया, मैं राखी को बोल सकती हूँ राखी जी प्यार तो बांटने से बढ़ता है लेकिन राखी जी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माय हस्बैंड वरना बाल्टी भर के पानी फेंक दूंगी तेरे ऊपर। कब स्ट्रॉन्ग बनना है, कब विक्टिम कार्ड खेलना, कब परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया बन जाता है, कब परफॉर्मेंस तो मैटर ही नहीं करता भाई। ये है रूबी चरित्र जिसको कि हम तो काफी समय से देख रहे हैं लेकिन अंदर बैठा रोहित शेट्टी और बाहर बैठे जो पीआरस हैं या जो और भी जो लोग रिव्यू वगैरह करते हैं या ओपिनियन वगैरह देते हैं, वो लोग रूबीना की भक्ति में ऐसे अंधे हैं कि रूबीना का ये दोगलापन उनमें से किसी को दिखाई नहीं दे रहा। रोहित शेट्टी की जो दादागिरी है, यहां पर रोहित शेट्टी ने जिस तरह से राजीव अडातिया को झाड़ा और आखिरी वाले स्टंट में चेतना पांडे को जबरदस्ती उसने अबॉर्ट करने के लिए मजबूर करा, क्या पता है वो चेतना जो थी वो स्टंट कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन नहीं, यहां पर तू अबॉर्ट कर दे, तू अबॉर्ट कर दे, देख मेरे को सेफ्टी टीम भेजनी पड़ेगी, तू अबॉर्ट कर दे, ये कुछ और नहीं था। यहां पर क्या है कि ये लोग टारगेट बना लेते हैं रोहित शेट्टी और मेकर्स कि किसको निकालना है और किसको बचाना है। हमने कल रात के एपिसोड में देखा कि जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है रोहित शेट्टी अनाउंस करते हैं कि भैया रूबीना आ चुकी हैं लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है, ठीक है बेड रेस्ट या फिर चलो रेस्ट मान लेते हैं क्योंकि बेड तो कहीं था नहीं। तो वो रूबीना जिसको डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला था वो वहां लोकेशन पर क्या कर रही थी, उसको तो होटल में या हॉस्पिटल में होना था ना क्योंकि स्ट्रेचर पर लेके गए थे उसको। लेकिन एक ही एपिसोड के बाद बंदी एकदम फिट फन्नाट होके आ जाती है लेकिन रोहित शेट्टी क्या बोलता है, ये स्टंट जो है ना रूबीना नहीं कर सकती बिकॉज डॉक्टर्स ने इनको रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन वो उछल सकती है चीख सकती है चिल्ला सकती है सिर्फ स्टंट नहीं कर सकती क्योंकि फटके फलावर हो जाएगी, ऐसे स्टंट में वो गिर पड़ेंगी और भैया फेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है ना तो हम रूबीना से ये स्टंट नहीं करवाएंगे बिकॉज़ वो चैनल की बहुत खास है, तो ये वाला स्टंट है ना डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर के एडवाइस पर रूबीना ये स्टंट नहीं करेंगी बाकी लोग करो। तो जहां हम देखते हैं कि तुषार कालिया भाई साहब क्या दमदार तरीके से उसने दिल जीत दिया, दिल किडनी लीवर सब जीत गया, साथ में 10 पॉइंट भी जीत गया। यहां पर मैं मोहित मलिक के बारे में बात करना चाहूंगा, ये जो दो दिन के एपिसोड थे टीम वाला ये जो चल रहा था वहां पर मोहित मलिक एज अ कैप्टन टोटली डिसअपॉइंट करके गया है। मैं मोहित मलिक को एज ए ह्यूमन बींग एज ए इंसान पसंद करता हूं लेकिन यहां पर स्टंट के मामले में वो कतई फिसड्डी साबित हुआ है। वो पहला वाला जो स्टंट जहां पर तुषार और मोहित को लटकना था वहां पर रस्सी पकड़ के वहां पर भी मोहित गिवअप कर गया, तुषार ने वहां पर 10 पॉइंट लिए। और ये जो स्टंट था अल्टीमेट स्टंट था डायनेमिक स्टंट था जहां पर तुषार कालिया ने दम दिखाया और जहां उसकी टीम की श्रुति और साथ में जो चेतना थी ये दोनों लड़कियां गिर गई लेकिन इसके बावजूद वो डटा रहा, साथ में वो पानी का फोर्स जो आ रहा था जो कि फैजू और मोहित पानी इसके ऊपर उड़ा रहे थे इसके बावजूद तुषार डटा रहा और अपनी टीम के लिए कीमती 10 पॉइंट्स लेकर के आया। तो देखा जाए तो तुषार एज ए कैप्टन 20 पॉइंट लेकर आया अपनी टीम के लिए, वहीं मोहित मलिक जो भी स्टंट किया उसने एक भी पॉइंट लेकर के नहीं आ पाया। हर स्टंट में मोहित मलिक अब बैड लक कहिए या कुछ भी कहिए बट देखा तो यही जाएगा कि हर स्टंट में मोहित मलिक फिसड्डी साबित हुआ है इस वीक। और ये बात मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जन्नत जुबैर भी बोली, ये फैजू भी 10 पॉइंट लेके आया, खनिका भी ठीक है वो नहीं कर पाई थी लेकिन वो जिस स्टंट का पार्ट थी एटलीस्ट पहले वाले स्टंट में 10 पॉइंट ये लोग लेकर के आए तो थे। और जन्नत तो आई थिंक 20 पॉइंट लेकर के आई जहां पर वो मोहित बोलता है कि देखो भैया तुम लड़ गई थी मेरे से इसलिए मैंने तुमको बाद में आने दिया, मैं पहले चला गया वो कांच टूट गया। बट बॉटम लाइन तो ये है ना कि मोहित मलिक ये जो दो एपिसोड थे इनमें एक भी स्टंट नहीं जीत पाया अपनी टीम के लिए, ये बहुत बड़े शर्म की बात है। वहीं तुषार कालिया ने जो दो स्टंट में वो गया दोनों ही स्टंट में वो अपनी टीम के लिए अपने दम पर 20 पॉइंट्स लेकर के आया। अब यहां पर एक तरीके से देखें तो बात बदल गए, हालात बदल गए पिछले वीक के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो पिछले वीक भी लगभग ऐसा ही डायनेमिक स्टंट था जहां पर मोहित की टेक्निक काफी अच्छी थी और तुषार की टेक्निक थोड़ी गड़बड़ा गई थी, हालांकि हवा भी बहुत चल रही थी तो तुषार वहां पर कुछ खास कर नहीं पाया था। लेकिन यहां पर सीन टोटली उल्टा पुल्टा हो गया और यहां पर मोहित की टेक्निक
जिस भी स्टैंड में वो गया हर स्टैंड में उसकी टेक्निक थोड़ी गड़बड़ा गई। और तुषार ने इस वीक जो दो स्टैंड किए हैं दोनों ही स्टैंड में उसने जबरदस्त टेक्निक दिखाई, जबरदस्त दम दिखाया और जबरदस्त तरीके से दो बार स्टैंड जीतकर 20 पॉइंट लेकर के आया, जो कि मोहित एक भी स्टैंड में एक भी पॉइंट नहीं ला पाए। अब सडनली मोहित मलिक के फैंस के लिए भी मैं हेटर बन जाऊंगा, जबकि मैंने तो जो देखा वही आपके सामने बोला है और जो मैं बोल रहा हूं वही तो एपिसोड में हुआ है, तो मैंने अपने मन से तो कुछ भी नहीं बोला। लेकिन किसी कंटेस्टेंट का जो स्टैंड था उसको एज इट इज अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो Then you will become a hater. लेकिन अगर आप हवा हवाई बातें करो कि गर्जी शेरनी दहाड़ी शेरनी, तो यार आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर आप देखो कैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। लेकिन अफसोस हम इस टैलेंट में थोड़े से फीके हैं, हमसे ये तलवार चाटुगिरी नहीं हो पाती भाई साहब। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कल रात के एपिसोड के स्टार्ट में जब ये दोनों टीमें 20-20 पॉइंट पर थी, तुषार कालिया अपना स्टंट जीत जाता है तो 30 पॉइंट पर आ जाते हैं। अब 30 पर वो हैं, 20 पर ये हैं। सडनली अगले वाले स्टंट के लिए रुबीना दिलक फिट हो जाती है, एकदम फिट हो जाती है और आगे बढ़ के बोलती है, यू नो व्हाट, मैं टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं ये स्टंट करूंगी। बाजू में जाके ओ माय गॉड क्रीपी क्रॉली, मैं नहीं कर सकती। अब रूबीना को क्या है, दिखने का बहाना चाहिए। वो भले ही कितना कुछ बोले कि वो दिखने के लिए ये कुछ नहीं करती है, लेकिन मोहित मलिक ने रूबीना की पर्सनैलिटी को काफी अच्छे तरीके से डिकोड कर लिया कि रूबीना जो है वो दिखने के लिए ये सारे नाटक करती है। रूबीना के बारे में लोग कहते हैं कि भैया इतना मत बोलो, लेकिन क्या है कि वो पूरे एपिसोड का मजा खराब कर देती है। रूबीना नींबू की वो बूंद है जो एक बूंद भी अगर दूध में गिरेगी ना तो वो पूरे दूध को फाड़ के रख देती है। रूबीना इज दैट नींबू की बूंद जो कि बहुत ही खट्टी है, खटास भरी है और नेगेटिविटी तो इतनी है उसके अंदर कि अच्छे वाले एपिसोड की मां बहन करके रख देती है। एक ऐसी चीज जहां पर कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन रूबीना वहां पर भी नौटंकी करती। तो ये है रूबीना दिलैक, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रॉन्ग वुमन। स्ट्रॉन्ग वुमन तो वो काफी डाउन टू अर्थ होती है, हम्बल होती है, ग्रेटिट्यूड होता है, लेकिन ऐसा कुछ रूबीना में नहीं है। तो यहां पर रूबीना और जन्नत ये जो है वो स्टंट के लिए जाते हैं, हालांकि रूबीना बहुत नखरे वगैरह करती है। तुषार से भी आर्ग्यूमेंट होता है, तुषार जब बात कर रहा है रोहित शेट्टी से तो रूबीना बीच में कूदेगी और फिर बोलेगी नहीं ऐसा वैसा नहीं, सर की वो करो, रिस्पेक्ट करो। आप कौन सा रिस्पेक्ट कर लेती हो सर की, सर कम बोलते हैं आप ज्यादा बोलती हो और सर तो आपके गुलाम है। सर ने बोल दिया कि ऐसा है कि राजीव तू जाएगा। अब क्या है कि रोहित शेट्टी का मन था कि यहां पर वो राजीव बढ़ाती है जो कि उस वो जो एक टनल टाइप का बनाया था उसमें फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो है रोहित शेट्टी उसको राजीव बढ़ातिया को ही भेजना था सो दैट वो राजीव बढ़ातिया स्टंट नहीं कर पाए और ये वाला स्टंट रूबीना जीत जाए। तो थाली में सजा करके जीत कैसे रूबीना को पकड़ाई जा रही है ये आपको समझ में आ रहा है। यहां पर आपने देखा कि कैसे ये जो क्रीपी क्रॉली वाला स्टंट था यहां पर राजीव बढ़ातिया अबॉर्ट कर देता है। अबॉर्ट मींस वो स्टंट नहीं कर पाएगा तो वो टीम बाय डिफॉल्ट हार जाती है और ये स्टंट एक ही टीम खेली और जीत गई। कौन सी टीम खेली, जन्नत और रूबीना, उन्हें 10 पॉइंट मिल जाते। इसके बाद आपने देखा कि एलिमिनेशन स्टंट में चेतना को जबरदस्ती अबॉर्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। चेतना अबॉर्ट कर देगी तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जीत जाएगा या सेफ हो जाएगा। कौन जीता, रूबीना दिलैक, क्योंकि उन्होंने स्टंट में 10 फ्लैग निकाल लिए थे और चेतना को तो जबरदस्ती एक काम कर तो अबॉर्ट कर दे, तो अबॉर्ट कर दे, आए तो अबॉर्ट कर रही कि नहीं कर रही है, सेफ्टी टाइम बैठ दूंगा, देख मैं बोल रहा हूं तो अबॉर्ट कर। ओके सर मैं अबॉर्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये चुबीना चली गई तो भी आप किसको लेके जाओगे आगे। हम तो खैर ठीक है, MTV के लुखे लबाड़िए हैं, हम तो हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रूबीना इस शो में जरूर रहनी चाहिए। तो कैसे ये एलिमिनेशन वगैरह प्लान होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीक आपने था प्रतीक सहजपाल सर आई एम फीलिंग वेरी फैंटिश, सर मैं जा रहा हूं, क्या है कि उस समय जन्नत और कनिका ये दोनों थे एलिमिनेशन में और जन्नत के जो फॉलोअर्स हैं उनको शो में एंगेज करवाना है तो जन्नत को तो रखना पड़ेगा और कनिका वो अपेक्षा वाला जो सीन है इनका चलता रहता और कॉमेडी वगैरह करती है उसको भी रखना पड़ेगा। अच्छा ये प्रतीक के एलिमिनेशन के बाद बहुत लोग कहने लग गए थे सडनली कि यार शो स्क्रिप्टेड है, मतलब जब तुम्हारे लौंडे के साथ अनफेयर होता तब तुमको स्क्रिप्टेड दिखता है, अभी वो प्रतीक वापस से वाइल्ड कार्ड बन के आएगा उसको स्क्रिप्टेड बोलना है या नहीं बोलना है, या फिर नहीं एलिमिनेशन ही स्क्रिप्टेड था, री एंट्री जब होगी उसके बाद दोबारा से जब भेज देती होगी एलिमिनेशन के टाइम पर उसको भी स्क्रिप्टेड बोलोगे, लेकिन ये जो दोबारा एंट्री हो रही है इसको स्क्रिप्टेड बोलने का मुहूर्त शायद नहीं निकलेगा क्योंकि वो एजेंडा को सूट नहीं करता ना भाई साहब। एक चीज और जो कि मैंने कल भी कही थी कि भैया वो जो रूबीना ने 2-3 वीक पहले जो करंट वाला स्टंट किया था क्या उसमें करंट था या नहीं, वी डोंट नो। ऐसी ही कॉन्वर्जेशन कल जब ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जब निशांत बोला था कि हमें क्या पता कनिका को करंट लग भी रहा था या नहीं लग रहा था, ऐसी चिल्ला रही थी। कहने का मतलब है कि जो कंटेस्टेंट है ना ये भी कहीं ना कहीं फ्लो फ्लो में मेकर्स की पोलपट्टी खोल डालते हैं कि कब
करंट रहता है कब करंट नहीं रहता है ये चीज़ ये भी जानते हैं, लेकिन कनिका तो नेक्स्ट लेवल की एक्ट्रेस है, वो भी एक्टिंग कर रही है। खैर वो जो दूसरा स्टंट रहता है जहाँ पर सांप बिच्छू के बीच में आपको वो टनल में घुसना है, मुंह से चाबी पास करना है, ऐसा ही कुछ स्टंट पिछली बार सौरभ राज जैन को दिया गया था। उसका भी बॉडी बिल्ड काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था और वो टनल में फिट नहीं हो पा रहा था, और रोहित शेट्टी ने अर्जुन बिजलानी को बचाने के लिए उसकी बलि ले ली थी, और यहाँ पर रूबीना को आगे बढ़ाने के लिए पहले राजीव की बलि लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने चेतना की बलि ले ली और चेतना से तो जबरदस्ती में स्टंट अबॉर्ट करवा दिया रोहित शेट्टी ने। ये है कल रात के एपिसोड का ताना बाना, जहां रोहित शेट्टी ने अपनी मन मर्जी चलाई है, रूबीना ने अपने टेंट्रम्स दिखाए हैं, और तुषार कालिया जिसने दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म किया, लेकिन इतना ब्रिलियंट स्टंट परफॉर्म करने के बावजूद पूरा जो एपिसोड है ना, ये कहीं ना कहीं ये लोगों ने रूबीना उसके टेंट्रम्स उसकी ड्रामापंती और रोहित शेट्टी की स्क्रिप्टिंग इन पर ज्यादा ये लोग तवज्जो इस पर ज्यादा ये फोकसबाजी कर देते हैं। वो खाम खा की रोस्टिंग एक दूसरे को करना, वो चिट्ठियां पढ़वाना, इन लोगों ने खतरों के खिलाड़ी का एक्चुअली में मजाक बना करके रखा है। मैंने पहले भी कहा था कि मेकर जो है वो खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस बनाना चाहते हैं, तो इन लोगों ने वही सब चीजें की, कंटेस्टेंट का आपस में आर्ग्यूमेंट कराना, स्टंट से ज्यादा फोकस तो फालतू की वो चिट्ठी पढ़ो, रोस्ट करो, या कौन किसको हटाना चाहता है, कौन किसका नाम लेना चाहता है, भाई ये सब तो बिग बॉस में देखते हैं, खतरों के खिलाड़ी में हम लोग देखना चाहते हैं स्टंट। लेकिन आप स्टंट कम दिखाते हो, ड्रामा ज्यादा दिखाते हो, उसके बाद बोल देते हो यश हो तो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। अगर स्क्रिप्टेड नहीं है तो जो नाम दिए थे तुषार ने या फिर मोहित ने वही नाम जाने देते ना, जबरदस्ती आप थोप देते हो किसी कंटेस्टेंट के सामने, आप बड़े पोलाइट बन जाते हो। वही किसी कंटेस्टेंट के ऊपर तो रोहित शेट्टी ऐसे दहाड़ता है, ऐसे चढ़ पड़ता है जैसे पता नहीं उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट ने कौन सा गुनाह कर दिया हो। तो ये रोहित शेट्टी का दोगलापन भी आपके सामने डेफिनेटली उजागर हुआ है कल रात को। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।